टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर. सो आप ऐसे बहुत सारे लोगों ने इतना इतना बोला, प्लीज सिंगल्स के लिए रीडिंग लेकर आइए, प्लीज लव रीडिंग में कुछ और लेकर आइए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो हियर आई एम विद योर अपडेटिंग रिक्वेस्ट. आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो होने वाला है कि आपका शादी का दिन कैसा होगा. लाइक जिस दिन आपकी शादी होगी वो दिन कैसा होगा, उस दिन आपकी एनर्जी कैसी होगी, सब काम किस तरीके से होगा. तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को और देखते हैं आपके शादी के दिन की अपडेट. ओके सो जब भी शादी की बात आती है तो चाहे आप एक लड़की हैं चाहे आप एक लड़के हैं, दिल में ना बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि पता नहीं कैसा होगा सब कुछ. एंड स्पेशली अगर शादी अरेंज मैरिज हो तो उसमें और भी प्रॉब्लम आती है. ऐसा लगता है कि सही फैसला है या नहीं है, सही इंसान के साथ शादी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पूरी पूरी लाइफ का सवाल है संभव. सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज मैं आप लोगों के लिए ये भी चेक करने वाली हूँ कि आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी. ठीक है, स्टार्ट करें. चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं. तो जो भी अपडेट आएगी, जैसा भी जो भी आएगा मैं आपको बताऊंगी. जस्ट आपने इस रीडिंग को अच्छे से सुनना है और समझना है. चलिए शुरू करते हैं. सो आज की रीडिंग कलेक्टिव जनरल रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए. आप सभी लोगों ने अच्छे से पहले एक बार ही अपना नाम ले लेना है तीन बार, अपना नाम लेना तीन बार और परमात्मा से कहना प्लीज मुझे बताओ मेरा शादी का दिन कैसा होगा. तो चाहे आपकी शादी होने वाली है चाहे आपकी शादी अभी फिक्स नहीं हुई है, दोनों ही चीजें हम जो है आराम से पिक कर लेंगे. जो भी आएगा आई विल टेल टू यू. शादी का दिन, ठीक है. शादी की ऊर्जा, इस कार्ड ने आना ही था. पहली बात तो ये कि एरीज लियो सेजिटेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, वर्गो स्कॉर्पियो की एनर्जी काफी ज्यादा है यहां पर. एक ही मेजर अरकाना है तो मैं बोलूंगी कि चलो पहले मैं आपको बताती हूँ क्या क्या मुझे यहाँ पर दिख रहा है. अब जैसा कि मैंने बोला कि शादी का जो दिन होता है उस दिन हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं. चाहे हम किसी अपने लव मैरिज करें चाहे हम अरेंज मैरिज करें, हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है एकदम से. मैं यहाँ पर क्या फील कर रही हूँ कि जिस दिन आपकी शादी होगी ना उस दिन आप जैसे ही सुबह आप रात भर सोओगे ही नहीं, ठीक है. और जो थोड़ी बहुत आपकी आंख लगेगी और आप अचानक से जब उठोगे ना, आपको कोई आके उठाएगा कि यार ये करना है वो करना है तू सो रही है, ठीक है ऐसा करो ये करो वो करो. सो आपकी अचानक से आंख खुलेगी और आप जैसे आंखें अपनी खोलोगे ना तो आपको एक अलग सी फीलिंग आएगी, एक ऐसी अलग सी फीलिंग आएगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये सच में हो रहा है मतलब. और मेरी जिंदगी का एक नया स्टार्ट होने वाला है. मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि ये जो आपकी शादी है ना, बहुत सारे लोगों के लिए आई एम फीलिंग कि ये जो आपकी शादी है किसी ऐसी रिजॉर्ट या किसी ऐसे होटल में होने वाली है. कोई ऐसा रिजॉर्ट या कोई ऐसा होटल जो कि आपके घर से थोड़ा सा दूर होगा. मैं यहाँ पर ऐसा भी फील कर रही हूँ कि आपकी जो शादी है किसी ऐसे होटल या किसी ऐसे रिजॉर्ट के पास होगी जहां पर पानी होगा बहुत सारा, ठीक है बहुत सारा पानी होगा, सूखा बहुत कम है जहां पानी होगा. एंड आप जैसे ही सुबह उठोगे आप एक अलग सी वाइब में होगे, आप फ्रेशन अप होगे ना, ब्रश वगैरह करोगे और आप जैसे ही थोड़ा सा बैठोगे ना इतने में आपके सामने नाश्ता सा आ जाएगा, आप नाश्ता वगैरह कर रहे हो, ठीक है. और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी जिस दिन शादी होगी ना उसके जस्ट एक दिन पहले ही आपको मेहंदी वगैरह लगी है तो उस चीज के अंदर आप बहुत ज्यादा लगे हुए होंगे, लोग आपको टीज कर रहे होंगे. आई एम फीलिंग लाइक बहुत अच्छा खासा हल्ला गुल्ला, ठीक है समझ रहे हो. तो लोग ना आपको टीज कर रहे होंगे काफी ज्यादा, अच्छा ये मेहंदी ऐसी लगी है, ऐसा हुआ है, फलाना ढिमकाना है ना. बहुत सारी आपकी फ्रेंड्स हो सकती हैं या आपके कुछ ऐसे रिलेटिव्स या कुछ ऐसे कजन्स हो सकते हैं जो अपने जीजू या अपनी भाभी का जो है नाम देखने के लिए कि कहाँ लिखवाया कैसा लिखवाया है, ऐसे ऐसे मतलब चीजें रहेंगी. आई एम नॉट सीइंग फीकी सी शादी, यहाँ पर फीकी सी शादी नहीं है. ये शादी ऐसी होगी जिसके अंदर रिश्तेदार भी आएंगे, ये शादी ऐसी होगी जिसके अंदर मामा फूफा जो है थोड़ा सा नाराज भी होंगे,
कुछ लड़ाई झगड़े के भी ड्रामे भी हैं यहाँ पर, बहुत सारे इमोशनल कनेक्शंस भी रहेंगे यहाँ पर। आई एम फीलिंग जैसे कि आप थोड़ा सा, आपका जो दिन बढ़ेगा ना, जैसे जैसे रात के फेरे हैं आपके, यानी कि रात की शादी है, मुझे यहाँ पर सुबह की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं फील हो रही है। ऑल दो आज के जमाने में हर कोई जो है रात को ही ये सब काम करता है, आजकल अर्ली मॉर्निंग या मॉर्निंग के फेरे या शादी नहीं होती है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मेरे को बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये दिन की शादी नहीं होने वाली है, ये रात की ही शादी होगी। अब क्या है ना कि आप सुबह से ही बहुत ज्यादा बिजी रहोगे, बहुत ज्यादा बिजी रहोगे। आप पार्लर जा रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आप दूल्हा या दुल्हन बन गए तो आप बस भगवान जी बन के बैठ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप बहुत सारे यू नो कामों में भी अपना हाथ बटाओगे, बहुत सारे कॉल्स आप मिलाओगे, अपने गेस्ट की एक बार लिस्ट वापस से चेक करोगे। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप बहुत कुछ मैनेज करने वाले हो अपनी शादी में। ऐसा नहीं है कि जिस सिर्फ आप भाई लहंगा पहन के शेरवानी पहन के बैठे हुए हो, ऐसा नहीं होने वाला है। आप बहुत सारी चीजों को यू नो अपने हिसाब से देखोगे, आप बहुत सारे यू नो चीजों को मैनेज करोगे कि खाने का क्या सीन है, केटरिंग वाला कहाँ से कैसे आ रहा है ना, और होटल वालों का या फिर जो आपने रिजॉर्ट किया है इनका क्या कैसे क्या सीन करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दिमाग में बहुत सारी चीजें एक के बाद आपके चल रही होंगी, और उसी बीच आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो भी आपको कहीं ना कहीं कॉल कर करके तंग कर रहे होंगे। अब जैसे जैसे रात बढ़ेगी ना, तो शादी का जो आपका जो माहौल रहने वाला है वो ऐसा होगा कि आपके सारे रिलेटिव जल जाएंगे। फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है कि यार इनके पास इतना पैसा कहां से आया, ठीक है, इनके पास इतना सारा पैसा कहां से आ रहा है, मतलब इन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया ऐसा कैसे। अब क्या होता है ना, रिश्तेदारों को बहुत बहुत खटकती है चीजें, वो खाना भी खाते हैं, है ना, अच्छा खासा खाना भी खाते हैं, प्लेटें खराब भी करते हैं, सब काम करते हैं वो, और वो जलते रहते हैं अंदर ही अंदर। तो वो जलने वाला जो है ना सिस्टम, मेरे को बहुत फील हो रहा है कि समहाउ आपके जो कुछ रिलेटिव्स हैं वो काफी ज्यादा ना इन चीजों को लेकर के जलने वाले हैं कि इन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट कैसे कर लिया, इन्होंने इतना अच्छा सब कुछ कैसे मैनेज कर लिया, ऐसा कैसे कर सकते थे ये लोग, इनके पास इतना पैसा कहां से आया, आपस में बुराइयां कर रहे हैं, ठीक है, चुगलियां सी चल रही हैं, ऐसा सा होगा। फिर उसके बाद आई एम सीइंग कि रात का जब टाइम होगा, जब आप अपने दूल्हा के सामने होंगे, आप अपने दुल्हन के सामने होंगे, स्टेज के ऊपर वरमाला हो रही है, बहुत बहुत इंजॉय कर रहे हैं सब लोग, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, बहुत पैशनेटली बारात आएगी आपकी, आप बहुत पैशनेटली बारात लेके जाओगे। आई एम फीलिंग कि सारे कस्टम्स सारे के सारे यू नो चीजें फॉलो होंगी वहां पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि भाई कस्टम्स फॉलो नहीं हो रहे हैं या लोग जो है कस्टम्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऑल दो यहाँ पर एक फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि लड़ाई झगड़े को शो करता है, और ये फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना मुझे यहाँ पर किस चीज की एनर्जी दिखा रहा है मालूम है, ये मुझे ऐसी एनर्जी दिखा रहा है जैसे कि जितने भी आपके रिश्तेदार है ना वो इतने जल कुकड़ू हो रखे हैं इस वक्त कि वो कुछ ना कुछ कमी निकाल करके ना बस लड़ाई करने की एनर्जी में रहेंगे। तो आपके परिवार में किसी ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को नियुक्त करेंगे, या तो आपके पापा जी, आपकी मम्मा, जो भी एक ऐसे इंसान को नियुक्त करेंगे जो समहाउ इन सब चीजों को ही मैनेज करता डोले कि कोई फालतू की लड़ाई वड़ाई ना कर दे, ठीक है। पीने खाने की चीजें भी हो सकती हैं बिकॉज वी हैव अ कार्ड ऑफ हैंग्ड मैन, और इस चीज के पीछे भी ऐसा हो सकता है कि लड़ाई हो जाए क्योंकि हो सकता है आपके जो स्पाउस हैं उनके घर वाले खाना पीना नहीं करते हैं, ठीक है, या आप लोग नहीं करते हो तो वो कर दें, या फिर आपके कुछ रिश्तेदार या आपके कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसा कर दें, तो यू गाइज विल गेट थोड़ी बहुत कहा सुनी इन बिटवीन, एंड फिर उसके बाद चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। ओके, आई एम सीइंग लेट नाइट का सीन ऐसा रहेगा कि जो रिलेटिव्स हैं वो आधे से ज्यादा तो भाग गए होंगे इधर उधर कहीं, ठीक है, जैसे कि वो सिर्फ खाने के लिए आए थे। अब आपके जो है जब फेरे पड़ेंगे, जब आप लोग जब शादी वगैरह करोगे, आपके जो रिचुअल्स होंगे, है ना, जिस भी तरीके से आपकी शादी होगी, डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, बहुत तरीके होते हैं शादी होने के, तो जब आपकी शादी हो रही होगी ना तो बहुत कम लोग वहां पर मौजूद होंगे, बहुत कम, ठीक है। एंड दिस विल बी एन अ वेरी This शादी will be a very you know funny शादी। मैं यहाँ पर बहुत सारे हंसी मजाक फन देख रही हूँ, मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है जो आपका जो पंडित होगा, प्रीस्ट होंगे, जो आपके मौलवी होंगे, जो आपकी शादी वगैरह करवाएंगे ना, वो भी काफी ज्यादा फिल्मी टाइप्स होंगे, बहुत मतलब हंसी मजाक फन कर रहे होंगे आप लोग।
और एक चीज और मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि जो आपके पार्टनर है ना, वो आपको बहुत ज्यादा टीज करेंगे छोटी छोटी चीजों के अंदर, और इतना ज्यादा टीज करेंगे ना, आपको बहुत गुस्सा आएगा। 10 of Swords, आपको ऐसा लगेगा, देख इसको समझ नहीं आ रही है, एक तो इतना मतलब मैंने हैवी सब कपड़े पहने हुए हैं, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, इसको मजे मजाक फन की लगी हुई है। और ऐसा भी हो सकता है कि स्टेज के दौरान ना आपके जो पार्टनर हैं आपको कुछ चीज ऑफर करें, ठीक है, कुछ चीज ऑफर करें, वो ऐसे बैठ करके नी पे, चाहे वो लड़की हो या लड़के हो, ठीक है, आपके जो पार्टनर है, आपके जो स्पाउस हैं, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, वो आपको यू नो बैठ करके कुछ ऑफर करेंगे, मे बी फ्लावर्स, चॉकलेट, रिंग, या फिर आपकी जो शादी है ना उसके अंदर जो जब दूल्हा दुल्हन की एंट्री वाला जो सीन होता है, जो इम्पोर्टेंट सीन होता है एक तरीके से आजकल की शादियों में, तो वो जो सीन होगा ना वो काफी ज्यादा यू नो रोमांटिक, और फिर उसके बाद काफी ज्यादा फनी होने वाला है। आपके पार्टनर एक मौका नहीं छोड़ेंगे आपको प्यार जताने का, एंड दे विल यू नो किस यू, हग यू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, और जब वो ऐसा करेंगे ना तो आपको बहुत शर्म आएगी, ऑब्वियसली बात है, 6 of Cups, लेकिन आप भी उनको पूरा सपोर्ट करोगे। हाँ, ये आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सपोर्ट करेंगे ना, किस तरीके से जैसे आपको टीज कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं सब लोगों के सामने, ऐसे ही आप भी इनको टीज करोगे। सो दिस विल बी अ वेरी होपफुल मैरिज, काफी हैप्पी मैरिज साबित होगी, आप सभी लोग थक हार जाओगे और बहुत इंजॉय करोगे, बहुत मजे करने वाले हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 2 of Swords का कार्ड है, जब विदाई वाला जो सीन होगा वो काफी ज्यादा यू नो दुखदायी सा आपको महसूस होगा, चाहे आप एक लड़के हैं और आप अपने पार्टनर को अपने घर लेकर आएंगे, चाहे आप एक लड़की हैं अपने पार्टनर के घर जाएंगे, यू गाइज विल फील कि यार हम ऐसा क्यों, ठीक है, आपको काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड सा फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार ऐसा करना पड़ रहा है मुझे, लेकिन धीरे धीरे आई एम सीइंग बहुत मतलब इमोशनल रहेगा, बहुत इमोशनल सिचुएशन रहेगी, बट आप काफी ज्यादा हैप्पी फील करोगे एंड आप चीजों को यू नो स्टेबली ले पाओगे। तो एक बार समराइज कर देती हूँ, सुबह उठते के साथ एक अलग सी फीलिंग, उसके बाद में आप मैनेज कर रहे हो चीजों को, मैनेज करने के बाद आप अपना मेकअप करा रहे हो, आप तैयार हो रहे हो, और आपके घर वालों ने किसी एक एग्जैक्ट इंसान को नियुक्त किया है, क्योंकि आपके बहुत सारे रिलेटिव है जो बहुत जलेंगे, बहुत गंदा वाला जलेंगे, बहुत अच्छा अच्छा लेविश फूड होगा, ठीक है, एक बहुत ही संयुक्त शादी होगी जिसके अंदर बहुत सारा क्राउड होगा, और आपकी शादी किसी ऐसे रिजॉर्ट या किसी ऐसे होटल या किसी ऐसे मैरिज होम में होगी जहां पे आसपास पानी है, जहां का डेकोरेशन बहुत अच्छा है, जहां की तैयारियां बहुत अच्छी हैं, प्रिपरेशंस बहुत अच्छी हैं, एंड जब आपकी शादी होगी तो आपके पार्टनर एक मौका नहीं छोड़ेंगे आपको टीज करने का, आपके पार्टनर एक मौका नहीं छोड़ेंगे आपको बार बार अपना प्यार जताने का, ही विल और शी विल किस यू, हग यू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, यू विल फील वेरी शाय बिकॉज ऑफ दिस थिंग, लेकिन आप भी उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट करोगे इस चीज के अंदर, आप अपने पार्टनर को कंफर्टेबल फील कराओगे, और इट विल बी अ वेरी कोजी लेविश ब्यूटिफुल मैरिज, कस्टम से भरी हुई मैरिज जिसके अंदर बहुत सारे रीति रिवाज होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, एंड रात को जब आपके शादी के कुछ एग्जैक्ट रिचुअल्स हो रहे होंगे तब बहुत सारे लोग नहीं होंगे, बहुत कम लोग होंगे, लिमिटेड पीपल, बट आपके जो पंडित प्रीस्ट या जो मौलवी होंगे ना वो इस शादी को काफी ज्यादा और फनी बना देंगे, क्योंकि वो काफी ज्यादा फनी होने वाले हैं, सीरियस नहीं होगा कोई भी इस शादी के अंदर, बहुत सब मस्ती मजाक फन करेंगे, ये शादी सालों तक याद रहेगी, बिकॉज इस तरीके की शादी आपके खानदान में सिर्फ आपकी हो रही है, एंड आई एम फीलिंग वेरी 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 स्ट्रांग 70% लोगों के लिए इट विल बी अ लव मैरिज, एंड फॉर द रेस्ट 30% लोगों के लिए ये अरेंज मैरिज होगी, और क्योंकि इस तरीके की मैरिज है जहां पर लव की एनर्जी काफी ज्यादा है, खुल्लम खुल्ला एक दूसरे को आप किस कर रहे हो, हग कर रहे हो, गले लगा रहे हो, हाथ पकड़ रहे हो, तो somehow कुछ ऐसे relatives, कुछ ऐसे लोग होंगे, रिश्तेदार होंगे, they might be feel some uncomfortable behavior, और वो कहीं ना कहीं बुराइयां करेंगे, वो बातें बनाएंगे, नाक से कोड़ेंगे, एक्सेट्रा, बट आप लोगों को किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं होगी, आप लोगों को ऐसा लगेगा आपके और आपके पार्टनर को जैसे कि आप दोनों ने विक्ट्री को हासिल कर लिया है, एंड इस विक्ट्री को हासिल करने के बाद जब आप विदाई वाला जो सीन आएगा, लाइक 2 of Swords का कार्ड है, आप काफी ज्यादा इनडिसिसिव हो गए, आपको ऐसा लगेगा कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि बस मैं रुक जाऊं, और आपको ना पहले से ही इस चीज का आभास नहीं होगा कि यार मेरे को जाना भी है घर छोड़ के, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ चलो ठीक है देखेंगे, आप उस मैटर पे ऐसा सोच रहे होगे, लेकिन जब ऐसा हो रहा होगा ना तो आपको ऐसा लगेगा यार अभी कल तक तो मैं इतनी खुश थी और अब देखो।
सो ऐसा ऐसा होगा, बट दिस मैरिज विल बी वेरी वेरी हैप्पी. लेन देन की कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी तरीके की. गार्डनर का कार्ड है, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने जो मेहनत करी ना वो फाइनली रंग लेकर आई है, मुझे एक स्ट्रांग कमिटमेंट मिला है एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड. इनफैक्ट माई ब्यूटिफुल पीपल, आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि मैं आपके लिए प्रिडिक्शन कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर इतनी अच्छी वाइब्स आ रही है ना आपके कार्ड्स को रीड करके, जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हो रही है. यू गाइज विल हैव द प्रीटीएस्ट ब्यूटिफुल एंड हैप्पी फनी मैरिज, बहुत पीसफुल मैरिज. सो देयर विल बी लॉट्स ऑफ जॉय एंड कंटेंटमेंट, बहुत मजे आएंगे, बहुत इंजॉय करेंगे. इनफैक्ट जो आप लोगों के जो शादी के कार्ड छपेंगे, जो आप लोगों की शादी के अंदर वीडियोग्राफी होगी, जो आपके फोटोज वगैरह जो खींचेंगे ना, उनको भी आप देख देख कर ना, जब आप वो आ जाएंगे अच्छे से तैयार होके, तो उनको भी देख देख के आप काफी ज्यादा हैप्पी फील करोगे. सो दिस विल बी अ वेरी हैप्पी बूस्ट और ग्रेट मैरिज एवर. ये बहुत अच्छी मैरिज साबित होगी आपके लिए. ओके, सो इस रीडिंग को आप अफर्म कर सकते हैं बाय सेइंग 111 यस इन द कमेंट सेक्शन. लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल. जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए खुद से प्यार करें. लव यू ऑल.